हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली रोज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट? ऑप्शन ए, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन बी, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट हाइट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन सी, टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एंड ऑप्शन डी, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन, 5 सेकेंड का टाइमर ऑन कीजिए। इस क्वेश्चन का पहले खुद से सही आंसर मार्क कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लैब स्टेट की डेफिनेशन पता होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा अटेम्प्ट करना। और वैसे ज्योग्राफी फॉर ऑल में मैंने काफ़ी डिटेल में सभी के सभी टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरे सेशंस देखे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप विद इन 1 सेकेंड में ही स्टेटमेंट को देखते देखते ही सही अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी, अब देखिए लैब स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। द एक्चुअल रेट एट विच द टेम्परेचर ड्रॉप्स विद द एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैब स्टेट। ठीक है जी, ट्रोपोस्फेयर में जनरली हमें इस तरह की ही कंडीशन देखने को मिलती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट एंड एट एवरेज रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और ट्रोपोस्फेयर की एक कंडीशन आपको और यहाँ पर याद रखनी है, जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं ट्रोपोस्फेयर में वो बहुत ही कम ऑब्जर्व कर पाती हैं सोलर रेडिएशंस को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायर हेलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। ऑप्शन ए, सनस्पॉट्स। ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन। ऑप्शन सी, एयर टेम्परेचर। ऑप्शन डी, टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। एक बार आप देख लीजिए फायर हेलियोमीटर होता क्या है, क्या आप इसके अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाए। चलिए, अब यहाँ पर हम समझते हैं फायर हेलियोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, सोलर रेडिएशन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, सोलर रेडिएशन जो हमें सन से डायरेक्टली देखने को मिलती है, बहुत ही ईजिली हम फायर हेलियोमीटर से मेज़र कर पाते हैं। और इसकी एक ऐसा यूनिट है, वो भी आपने याद रखनी है। ऐसा यूनिट ऑफ रेडिएशन इज वाट पर मीटर स्केयर। ठीक है जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट पर मीटर स्केयर। और इनिशियली फायर हेलियोमीटर को हम मेनली यूज़ करते थे क्लाइमेटोलॉजिकल रिसर्च एंड वेदर मोनिटरिंग पर्पस के लिए, लेकिन आज की डेट में हम इसको सोलर रेडिएशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेन शेडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेन शेडो। ऑप्शन ए है साइक्लोनिक रेनफॉल। ऑप्शन बी ऑर्ग्राफिक रेनफॉल। ऑप्शन सी कन्वेक्शन रेनफॉल। एंड ऑप्शन डी फ्रंटल रेनफॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे हम इसको डिटेल में एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है, अब आपको इतना तो खैर पता ही होगा कि जब एयर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एयर करंट कहते हैं। और जब एयर हॉरिजेंटली मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, मान लो कि ये एक माउंटेन है, माउंटेन से जैसे ही हवा यहाँ टकराएंगी तो एक स्टीप स्लोप ले लेंगी। ठीक है जी, जब स्टीप स्लोप लेकर हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो अपने साथ क्या लेकर जाती हैं, वाटर वेपर। ठीक है जी, अब वाटर वेपर ऊपर लेकर जाएंगी और इस कंडीशन को हम एडवेक्शन कहते हैं, याद रखना। ये भी पूछ लिया जाता है कि जब हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं पहाड़ से लग लग कर एक स्टीप स्लोप के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। अब ये वाटर वेपर अपने साथ लेकर जाएगी तो एक कंडीशन आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमें देखने को मिलेगा कंडेंसेशन। ठीक है, और यहां पर जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन जब स्टार्ट होता है, मैं आपको यहां पर बता ही देता हूं, वाटर वेपर जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पर वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के साथ मिल जाएगा और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर हमें रेनफॉल होती हुई दिखेगी। ठीक है जी, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारी हवाएं ऊपर नहीं पहुँचती। अगर हवाएं ऊपर नहीं पहुँचेंगी तो यहाँ पर वाटर ड्रॉप नहीं जाएगा और यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा। और आपने देखा भी होगा, अगर आपने मानसून को अच्छे से स्टडी किया होगा, अगेन मैं कहूँगा ज्योग्राफी फॉर ऑल आप देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत,
अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, वैसे हमारा प्यारा भारत बहुत खूबसूरत है। देखिए यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ वेस्टर्न घाट, यहाँ ईस्टर्न घाट, और इधर है इंडियन ओशन। जब मानसून आता है तो आपने देखा होगा मालाबार कोस्ट को सबसे पहले हिट करता है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा भयंकर हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। और इसके ठीक जब हम नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें रेन शेडो रीजन देखने को मिलता है, मतलब इतनी प्रेसिपिटेशन नहीं होती जितनी वेस्टर्न घाट में होती है। वेस्टर्न घाट में अप्रोक्स अप्रोक्स जो हमारे को प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है वो है 600 सेंटीमीटर के नियर अबाउट, ठीक है जी। इसको आप कह सकते हो महाबलेश्वर वाला रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आप में से कोई महाराष्ट्र रहता है तो डेफिनेटली अगर कोई घूमने गया तो उसको भी पता होगा। तो यहाँ पर बहुत भयंकर वर्षा देखने को मिलती है, और कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पर पुणे देखें तो पुणे में इतनी वर्षा नहीं होती जितनी महाबलेश्वर में होती है, डेट्स वाई हम उसको कंसिडर कर सकते हैं रेन शेडो रीजन। और रेन शेडो रीजन को हम लीवार्ड भी कहते हैं, और इसको जहाँ पर वर्षा होती है सॉरी विंडवार्ड कहते हैं, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट है, ये मैंने ज्योग्राफी फॉर ऑल सेशन 15 में करवाया हुआ है काफ़ी अच्छे से, उसको आप देख सकते हैं, सभी के सभी आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कोरल रीफ एरियाज ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ मैनर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है जी। आपको बताना है यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सी स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सी, मतलब कहाँ कहाँ पर आपको कोरल रीफ देखने को मिलता है। चलिए होपफुली अब तक आपने इसका सही आंसर किया होगा। इसका सही आंसर है डी। देखो यहाँ पर हमें सभी जगह पर इंडिया में कोरल रीफ देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मैनर, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब कोरल रीफ होता क्या है यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये देखिए ये GIF फाइल है और इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि कोरल रीफ होता क्या है, ठीक है जी। अब देखिए कोरल रीफ आर अंडर वाटर फॉर्मेशन ऑफ द स्केल्टन्स ऑफ कॉलोनियल मैराइन कॉरल्स। कॉरल्स को हम एक वर्ड से और यहाँ पर जानते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, और हमारे को इंडिया में ये चारों जगह ही कोरल रीफ देखने को मिलता है। चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बनी ग्रासलैंड ऑफ्टन रेफर टू एज एन लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन द एशिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, पहले एक बार हम इसको पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको मैप के थ्रू पता ही लग गया होगा इसका सही आंसर है गुजरात, और एग्जैक्टली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बनी ग्रासलैंड, ठीक है जी। बनी ग्रासलैंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है, और ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है एशिया का, और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे समझ लो वेटलैंड एरियाज देखने को मिलते हैं, लार्ज मीडियम स्मॉल साइज वेटलैंड एरियाज हैं, और ये अट्रैक्ट करता है माइग्रेटरी बर्ड्स को विंटर में, ठीक है जी। जो ये वेटलैंड एरिया है ये अट्रैक्ट करता है माइग्रेटरी बर्ड्स को विंटर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है जी। और आज जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए इनके से अगर आपका कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। देखिए अब आपने ज्योग्राफी फॉर ऑल को देखना है, अगर आपका ज्योग्राफी सेशन अच्छा नहीं है वहाँ से आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।